दोस्तों, अगर आपके बच्चों को हकलाने या तुतलाने की आदत है तो आज ही आप ये 10 चीजें उन्हें खिला दें, वो ये सारी आदत भूल जाएंगे। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। दोस्तों, कई बच्चों को जन्म से ही हकलाने या तुतलाने की बीमारी होती है, वो शब्दों को साफ तरीके से नहीं बोल पाते। ऐसे में दवाइयों की जगह कुछ घरेलू नुस्खे कारगर साबित हो सकते हैं। तो क्या है वो चीजें, चलिए जानते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक आंवला एक बीमारी को दूर करने में बेहद कारगर रहता है, और वो बीमारी है हकलाने और तुतलाने की। इसमें मौजूद विटामिन सी जीभ की मोटाई को कम करने का काम करता है, इसीलिए बच्चे को आंवले के टुकड़े करके उन्हें चूसने को दें, इससे तुतलाना और हकलाना बंद हो जाएगा। वहीं रोजाना सुबह खाली पेट 10 बादाम और 10 काली मिर्च के दाने को मिश्री के साथ पीस कर बच्चे को खिलाने से तुतलाने की समस्या भी दूर हो जाएगी। वहीं दोस्तों, सोने से पहले एक गिलास दूध में छुआरों को उबालकर बच्चों को पिलाने से आवाज साफ होती है, और इससे बच्चों की हकलाने की आदत भी ठीक हो जाती है। अगर आपका बच्चा तुतलाता है तो उसे रोजाना सुबह थोड़ा सा देसी घी चटाएं, इससे जीभ का मूवमेंट जो होती है वो बढ़ जाएगी। हालांकि ये काम करने के बाद एक घंटे तक बच्चे को कुछ भी खिलाए या पिलाए नहीं। दालचीनी का टुकड़ा बच्चे को चूसने को दे, ऐसे रोजाना 10 मिनट तक करने से उसके हकलाने और तुतलाने की बीमारी ठीक हो जाएगी। तेज पत्ते को जीभ के नीचे रखने से तुतलाना ठीक हो जाता है, और इससे गले की खराश भी दूर हो जाती है। एक गिलास पानी में 5 ग्राम सौंफ को कूट कर उबाल ले। अब इस पानी को आधा होने तक खौलाएं। इसके बाद इसे हल्का ठंडा करके 50 ग्राम मिश्री और 250 ग्राम गाय का दूध मिलाकर बच्चे को पिलाएं। वहीं दोस्तों, कई बार दिमाग के कमजोर होने की वजह से बच्चे हकलाने लगते हैं, इसे ठीक करने के लिए ब्राह्मी का तेल उपयोगकारी होता है। इसके लिए तेल को थोड़ा गर्म करके इसे बच्चों के सर पर लगाएं या उससे मालिश करें। शहद के साथ अदरक मिला के बच्चे को चटाने से तुतलाना ठीक होता है। वहीं रोजाना बच्चे को थोड़ी मिश्री खिलाने को दे देंगे तो इससे भी जुबान साफ होती है और इससे बच्चा स्पष्ट बोलने लगता है। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हेल्दी इंडिया।